आखाफ की एक जमीन के सिलसिले में हमारे चंद बुजुर्ग भाई सिराजुद्दीन नजमुद्दीन और उनके साथी हमारे पास आए थे। उनकी गुजारिश ये थी कि गट नंबर 2 सर्वे नंबर 2 फतियाबाद गंगापुर तालुके में एक मुसलमानों का कब्रिस्तान है, दरगाह भी है और साथ में कब्रिस्तान भी है जी। उस जमीन पर PWD वाले एक बड़ा रास्ता बना रहे हैं, जबकि वो रास्ते का ना वहाँ सैंक्शन है ना उसका टेंडर है। सैंक्शन और टेंडर दूसरी जगह का है मगर वहाँ रास्ता बना गया। जब कोई ज़मीन पर रास्ता बनाया जाता है और जब अवकाफ की ज़मीन हो तो वक्फ बोर्ड का NOC, वक्फ बोर्ड की मंजूरी, मुतवरी को मुआवजा, वक्फ बोर्ड को मुआवजा देना पड़ता है। ये तमाम बातों से हटकर गैर कानूनी तौर पर अवकाफ की ज़मीन पर कब्जे की कोशिश करते हुए रास्ता बनाने का काम चल रहा। इन साहिबीन ने वक्फ बोर्ड के ऑफिस में शिकायत दी थी। वक्फ बोर्ड के CO साहब ने 9 जुलाई को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD को खत लिखा था, दूसरे अथॉरिटीज़ को भी खत लिखा था, मगर अब तक उनके कान पर जू नहीं गई। आज हम इस डेलीगेशन के माध्यम से जिसमें शहर ज़िला सदर मोहतरम शाइख नक्शबंदी साहब हैं, मशरक़ी हल्के के सदर दस्तगीर भाई है, MIM के बबरू भाई हैं, हमारे दूसरे जिम्मेदार में हमारे फिरदौस भाई जान, हमारे अकरम भाई, शोएब भाई, हमारे फखरुद्दीन भाई, हमारे सलीम भाई, हारून भाई, अजीम भाई, अकरम भाई, सब जमा है। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है हमारे जज्बाती नौजवान साथी अमजद खान चाचू ने इस पूरे प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया, सबको जमा किया और एक अहम मिशन को अंजाम दिया। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से गुजारिश की है ज़रूरत पड़े तो इन डाकुओं के खिलाफ जिन्होंने फसोनू का काम कर रहे हैं फौजदारी मुकदमा दाखिल किया जाए। हमने कहा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल यहाँ मौजूद है, वक्फ ट्राइब्यूनल से इंजंक्शन लिया जाए। और मुझे कहते हुए थोड़ा ठीक दिखता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमारी बातों को सुना। हमने उनसे कहा है कि जहाँ कहीं ज़रूरत पड़े साम दाम दंड जो तरीके से हो MIM